एपिसोड के स्टार्ट में एस जो है वो गो को आवाज लगा रहा होता है। फिर एस कहता है मुझे लगा कि तुम्हें न्यू नेक्स्ट रॉयल मिल चुका है। फिर जो गो है वो उदास चेहरे से कहता है हाँ मिल चुका है। फिर एस गो से कहता है तुम्हें क्या हुआ है। फिर जो गो है वो बताता है कि इस मिशन में हमारे बैटल स्किल्स एंड कॉरपोरेशन देखे जा रहे हैं तो मुझे उसके लिए चिंता हो रही है। फिर जो एस है वो कहता है बैटलिंग ये तो काफी अच्छी बात है। फिर गो कहता है इस बार का मिशन है वो रेड बैटल होने वाला है। फिर गो बताता है इस बार हमें लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो से फाइट करनी होगी। फिर जो एस है वो इस बात को सुनकर काफी जोश में आ जाता है। फिर जो गो है वो ऐसे कहता है क्या तुम इस बैटल में भी मेरी मतलब मदद करोगे। फिर ऐसे वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा। फिर जो प्रोफेसर है वो बता दे कि तुम्हें आर्टिकुनो इस माउंटेन पर मिलेगा जो कि 2 माउंटेन्स होते हैं एंड उसके बाद जो एस और गो है वो यहाँ से जाने लगते हैं माउंटेन की तरफ। एंड उसके बाद एस और गो इस माउंटेन पे आ जाते हैं और उसके बाद आगे जाने लगते हैं। उसके बाद ये इस ब्रिज को पार करके यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये ब्रिज को पार कर रहे होते हैं जब इन पे गोलवेट जो है हमला कर देता है एंड उसके बाद एस जो है वो बचने लगता है और गो इसको आराम से कैच कर लेता है। फिर ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें 4 रास्ते मिलते हैं एंड उसके बाद ये इस रास्ते पे जाने लगते हैं जहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। एंड उसके बाद ये वापस आते हैं तो इन पे एक जियोडूड हमला कर देता है और ये फिर यहाँ से भागने लगते हैं। एंड उसके बाद ये इस बंदे के पास आते हैं जहाँ ये उनसे पूछते कि तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिला एंड वो उसको नहीं बताता क्योंकि उसे भी रास्ता नहीं मिला होता है। एंड उसके बाद ये काफ़ी बंदों के पास जाते हैं जहाँ उन्हें भी रास्ता नहीं मिला होता है। एंड उसके बाद एस एंड गो इधर आते हैं जहाँ इन्हें एक क्रिस्टल सा एक जो स्टोन मिलता है। फिर जो ग्रुकी है इस क्रिस्टल से स्टोन को मारने लगता है अपनी स्टिक से और फिर इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। एंड उसके बाद जो है वो अपने इंटेलिजेंट पोकेमोन को निकाल लेता है गो। एंड उसके बाद इंटेलिजेंट जो है वो साउंड को सुनकर रास्ता बताने लगता है। एंड उसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों इस गुफा में आ जाते हैं एंड उसके बाद ये इधर उधर देखने लगते हैं और जो ग्लेवर पोकेमोन है वो इन पर हमला कर देता है। एंड उसके बाद जो गो है वो एस को धक्का देकर ग्लेवलर को पकड़ लेता है जिससे कि एस बच जाता है। एंड उसके बाद जो ग्लेवलर है जिस रास्ते से आया हुआ होता है उसके बाद ये जो है गो अपने कैटपी से स्ट्रिंग शॉट करने को कहता है। एंड उसके बाद ये जो है इस गुफा के नीचे जाने लगते हैं जहाँ पर कि गो का बचपन का फ्रेंड जो है वो यहाँ पर बैटल कर रहा होता है। एंड इसे देखकर गो है वो चौंक जाता है। फिर गो जो है वो इसकी हेल्प करने लगता है एंड वो सिंड्रेज को हमला करने को कहता है। एंड उसके बाद जो है सिंड्रेज फायरवॉल का यूज़ करता है एंड उसके बाद ये इस पोकेमोन को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद ये दोनों आगे जाने लगते हैं एंड उसके बाद ये इधर आ जाते हैं जहाँ इनको पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ इनके पीछे जो है गैरी आ चुका होता है एंड वो कहता है तुम्हें आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। एंड उसके बाद ये जो है वो एक बोट बना देता है एंड उसके बाद ये आगे जाने लगते हैं। उसके बाद जो है ये नदी को पार करके इधर आ जाते हैं। उसके बाद जो क्रिस्टल में से आर्टिकुनो बाहर निकलता है। फिर ये बताते हैं हमें इसी से रेड बैटल करनी है। एंड उसके बाद ये इससे बैटल करने लगते हैं। एंड उसके बाद ये जो है अपने चारों पोकेमोन को बाहर निकालते हैं ये चारों। एंड उसके बाद ये एक अटैक में ही घायल हो जाते हैं। एंड उसके बाद ये जो है वो एम्ब्रियन सिंड्रेज एंड लुकारियो को बाहर निकालते हैं और ये गार्डिवॉल को। उसके बाद आर्टिकुनो अटैक करने लगता है जो कि एम्ब्रियन नॉकआउट हो जाता है। एंड उसके बाद गैरी से वापस बुला लेता है। एंड उसके बाद सिंड्रेज जो है वो पायरोवॉल का इस्तेमाल करने लगता है एंड लुकारियो और स्पेयर का जो कि आर्टिकुनो को लग जाता है लेकिन आर्टिकुनो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जो आर्टिकुनो है वो अटैक करने लगता है। फिर जो गार्डिवॉल है वो सिंड्रेज को रिफ्लेक्ट अटैक से बचा लेता है। उसके बाद गैरी अपने आर्के9 को भेजता है। उसके बाद ये तीनों पोकेमोन एक साथ हमला करने लगते हैं लेकिन जो आर्टिकुनो है उसको कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसके बाद आर्टिकुनो इन पर हमला करने लगता है। उसके बाद जो गार्डिवॉल है वो रिफ्लेक्टर का यूज़ करती है जिससे कि वो इसको बचा लेती है लेकिन जो आर्टिकुनो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है जिससे कि ये मूव जो है वो कट जाता है। उसके बाद इन सब को डैमेज पड़ता है जिससे कि ये तीनों हार जाते हैं। फिर ये बंदा अपने बेलीफ का यूज़ करता है एंड वो उसको वाइंड व्हिप यूज़ करने को कहता है। एंड उसके बाद जो है वो आर्टिकुनो को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद आर्के9 एंड पिकाचू अपने अपने हमले करते हैं जिससे कि इसको काफ़ी डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो गो है वो अपने वोल्डर को स्टोन एज यूज़ करने को कहता है लेकिन जो आर्टिकुनो है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो हमला करता है जिससे कि आर्के9 और पिकाचू जो है वो घायल हो जाते हैं एंड हार जाते हैं। फिर आर्टिकुनो फिर से हमला करने लगता है और बेलीफ भी इस बैटल में हार जाती है। इसके बाद जो आर्टिकुनो है वो इनके सारे पोकेमोन को हराकर यहाँ से चली जाती है। फिर ये सब कहते हैं ये तो काफ़ी स्ट्रांग था। उसके बाद इन तीनों के फ़ोन पर कॉल आता है। उसके बाद ये जो बंदा है वो इन तीनों को इस मिशन के लिए इनको टोकन दे देता है जो कि इनके टीम वर्क को दर्शाता है एंड उसके लिए इनको कॉइन मिले होते हैं। उसके बाद गैरी एंड गो का फ्रेंड इन दोनों को अलविदा कह के यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद एस और गो भी यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन जो इनका सफ़र है वो जारी रहता है।
एंड उसके बाद हमें लास्ट में इन तीनों के पिक्चर दिखाई जाती है एंड उसके बाद ये एपिसोड है जो ख़त्म हो जाता है। सो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपना फेवरेट कमेंट भी करना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।